ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जब ये तैयार हो जाता है और इसमें से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि मालूम हो जाती है, तब इसके बाद बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो बैलेंस शीट बनाया जाता है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य है कि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, ये पता लगाने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इसके जो राइट साइड है उसमें सारी एसेट्स लिखी जाती हैं और इसका जो लेफ्ट साइड है उसमें जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको लिखा जाता है। बैलेंस शीट की ख़ास बात ये है कि इसमें किसी भी साइड में बैलेंस नहीं आना चाहिए, यानी कि जो राइट साइड का टोटल है और जो लेफ्ट साइड का टोटल है वो सेम होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आना चाहिए। अगर उसमें अंतर आता है तो उसका मतलब कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में कहीं गलती कर दी गई है। और एक ख़ास बात और है बैलेंस शीट की, वो ये है कि व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, ये बैलेंस शीट खास दिन की बताता है। यानी कि अगर हम 31 दिसंबर की बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं या फिर मार्च के लास्ट डे में बैलेंस शीट तैयार किया जा रहा है, तो बैलेंस शीट व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जो बताएगा वो आखिरी दिन की बताएगा कि 31 दिसंबर को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, पूरे साल भर की स्थिति वो ये नहीं बताता है। तो इसीलिए इसका जो नेचर है फिक्स है, जबकि पीएल अकाउंट पूरे साल की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके बारे में सारी सूचनाएं देता है। तो उसकी जो पीएल अकाउंट का जो नेचर है वो डायनामिक नेचर है। तो ये दो खास फ़र्क हैं इनमें, बैलेंस शीट में और पीएल अकाउंट में। अब आते हैं कि जो हमारा लायबिलिटी साइड है उसमें क्या क्या चीज़ लिखा जाता है। बैलेंस शीट में अगर हम बात करें, अगर स्टार्ट करते हैं करंट लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ हैं जो एक साल के अंदर किसी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे इसमें आ जाएगा बैंक व ड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारे करंट लायबिलिटीज़ होंगी। इसी तरीके से कैपिटल है, कैपिटल में भी कैपिटल बीसी में आएगा, और जो नेट प्रॉफिट है उसको कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और अगर ड्राइंग से है यानी कि आहरण है तो उसको कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि जब कोई व्यवसाय में से पैसा निकाल लेगा तो पूंजी कम हो जाती है, तो इसलिए उसको माइनस किया जाता है। इसी तरीके से जो करेंट एसेट्स से है, यानी जो एसेट्स साइड में है उसमें करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स से दो चीज़ें होती हैं। लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी, दो तरीके की लायबिलिटी होती हैं। तो जो जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह है वो सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएंगी। करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, और क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सारे करंट एसेट्स में आएंगे। इसका भी वही है, करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर एक एसेट से दूसरे एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म यानी जो फिक्स्ड एसेट्स से है, फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स है, पेटेंट्स हैं, गुडविल है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस फिक्स एसेट्स में दो चीज़ें हो, दो एसेट्स होंगी, एक तो टेंजिबल एसेट्स होंगी और एक इनटेंजिबल एसेट्स होंगी, यानी कि एक वो एसेट्स होगी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक वो एसेट्स होगी जिसको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। अब एक बात और करते हैं कि बैलेंस शीट का जो दो साइड है, क्रेडिट साइड या वो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, ये बराबर क्यों आते हैं, इसमें बैलेंस क्यों नहीं निकलता है। तो इसकी वजह ये है कि जब हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल मेंशन करते हैं तो जितनी भी कैपिटल है वो अमाउंट हम एसेट साइड में कैश के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारा सेम हो गया। अब मान ली उस कैश में से अगर एसेट्स परचेज की जाती है, मान लो कि कैपिटल 1 लाख की है तो कैश भी 1 लाख का हो गया। अब उस 1 लाख में से 20,000 की मशीन खरीद ली या फर्नीचर खरीद लिया, तो 20,000 का 20,000 का फर्नीचर एसेट्स साइड में लिख जाएगा, लेकिन जो कैश है वो 20,000 से
कम हो गया, तो जो बैलेंस आया वो वही आ गया। इसी तरीके से अगर कोई एसेट्स उधार खरीदी जाती है, मान लो 10,000 का फर्नीचर उधार खरीदा गया, तो एसेट साइड में 10,000 से फर्नीचर बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि वो ऑन क्रेडिट है, उधार है, तो लायबिलिटी साइड में 10,000 का क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप टोटल लगाएंगे तो टोटल दोनों का सेम आ जाएगा। तो ये वजह होती है जिनकी वजह से जो बैलेंस शीट है उसका जो टोटल साइड का, दोनों साइड का जो टोटल निकलेगा वो सेम आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये बैलेंस शीट के बारे में ख़ास ख़ास जानकारी है जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।